मोदी सरकार 2 की कैबिनेट में सबसे युवा मंत्रियों में शामिल स्मृति ईरानी ने अमेठी लोकसभा में राहुल गांधी को हराकर चौंका दिया। स्मृति को हिम्मत और जीवटता की मिसाल वाली एक महिला के तौर पर पेश किया जा रहा है जो कभी हार नहीं मानती, लेकिन स्मृति का यह सफर कभी बेहद मुश्किलों से भरा था। स्मृति ईरानी को कभी एयर हॉस्टेस की नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया और उनसे कहा गया कि उनकी पर्सनालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। बाद में वह 1990 के दशक में मुंबई के बांद्रा में एक दिग्गज फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स में काम करने लगी थी। उस वक्त ईरानी को हर महीने 1800 रुपये वेतन मिलता था। अब ईरानी की फास्ट फूड की कंपनी में नौकरी का प्रोविडेंट फंड वाला PF सर्टिफिकेट नीलाम होने जा रहा है। इससे जो पैसे आएंगे उन्हें महिला कारीगरों के एक समूह को दिया जाएगा। ये नीलामी कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया द्वारा कराई जा रही है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जिन महिला कारीगरों के समूह को नीलामी से मिलने वाले पैसे दिए जाएंगे उनकी पहचान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नौकरी के बाद स्मृति ने टीवी का रुख किया था और क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल में काम करने के बाद बड़ा नाम बन गई, लेकिन उनके PF खाते में उनका पैसा आज भी वैसा ही पड़ा हुआ है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।